सिरसा गंजनगर में चुनाव आयोग का डांडा उस समय देखने को मिला जब चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता लागू होते ही सिरसागंज तहसील प्रशासन अपने फुल फॉर्म हरकत में आ गए। उसने स्थानीय पुलिस प्रशासन और सिरसागंज नगर पालिका के कर्मचारियों के सहयोग से रविवार की शाम जेसीबी मशीन को मंगवा कर शहर के मेन चौराहे पर लगे राजनेताओं के बैनर पोस्ट होर्डिंग झंडे तत्काल प्रभाव से हटवा दिए। इस अभियान में मुख्य रूप से सिरसागंज तहसीलदार प्रसून कश्यप, लेखपाल लल्लू सिंह, सिरसागंज से नगर पालिका सफाई कर्मचारी अधिकारी राकेश कुमार एवं स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर सुनील कुमार तोमर के साथ सिरसागंज नगर पालिका के समस्त कर्मचारी जन मौजूद दिखे, जिनके सहयोग से नगर में आचार संहिता का डांडा चलाया गया। सिरसागंज से सचिन जैन की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। सर, सिरसागंज नगर पालिका द्वारा जो आज अभियान जो चलाया जा रहा है, जो राजनेताओं के बैनर पोस्टर हटवाए जा रहे हैं, किस तरह का जो मामला है पूरा? अभी कल सामान्य निर्वाचन लोकसभा की घोषणा होने के बाद आचार संहिता का पालन किया जाता है। इसी आचार संहिता के पालन में नगर पालिका सिरसागंज के और तहसील और पुलिस प्रशासन के सहयोग से शहर के जितने भी राजनीतिक पार्टी होंगे, पोस्टर बैनर और होर्डिंग लगे हुए, उनको सबको हटाया गया है। आचार संहिता में जितने भी निर्देश दिए गए उनका पालन किया जा रहा है। पीछे इसका कोई विरोध भी नहीं किया किसी ने, और सबने सहयोग किया, और लगभग हमारे शहर के सभी बैनर पोस्टर राजनीतिक पार्टियों लगे वो उतारवा दिए गए। ये शाम को कितने बजे लागू कर दी गई थी? ये हम 5 बजे लागू हुई थी आचार संहिता, उसके तहत ही हम सब लोगों के द्वारा जितने पोस्टर के राजनीतिक दलों को सब उतरवा दिए गए हैं, और आज दीवारों पर भी बाल पेंटिंग रहेगी, सबको उतरवा करके साफ कर दिया जाएगा। अरे जिस तरीके से निजी मकानों पर जिनके बैनर पोस्टर लगे हुए झंडे लगा रखे हैं अपने निजी मकानों को, क्या वो भी हटवाए जा रहे हैं क्या? बिल्कुल हटाए जाएंगे निजी मकानों पर, परमिशन के द्वारा ही केंद्र पॉइंट वहीं लगेंगे, और ऐसा कोई वैसे संज्ञान में नहीं है, अगर होगा तो सब हटवा दिया जाएगा।